चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीतने वाले इंडिया गठबंधन को सोमवार को बड़ा झटका लगा। भाजपा ने चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। भाजपा के कुलजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। वहीं डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के राजेंद्र शर्मा ने गठबंधन की निर्मला देवी को 2 वोट से हराया है। भाजपा को 19 वोट और गठबंधन को 17 वोट मिले। सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का 1 वोट कैंसिल हुआ है। चुनाव में भाजपा को 19 वोट और गठबंधन को 16 वोट मिले हैं। 1 वोट कैंसिल हुआ है। माना जा रहा है कि अकाली दल के हरदीप सिंह ने फिर से भाजपा को वोट दिया है। के बिना उसका होगा मुझे लगता है, और इसका भी अगर होगा तो अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन करके दिखाया। फ्री और फेयर, फ्री तो हमेशा ही होता है। निष्पक्ष तरीके से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इनवैलिडेट हुए वोट्स, उसके बाद ये दोबारा जो प्रक्रिया कराई गई। दैट वॉज एन अनफॉर्चुनेट एपिसोड। आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन इट राइट नाउ। आई थिंक आई एम हैप्पी टूडे दैट वी हैव वन बोथ। चालमीन में कोई गड़बड़ी नजर आई क्योंकि डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर आप बीजेपी का है, मेयर अपना कांग्रेस? नहीं नहीं, वो भी मेयर जो कहने को कांग्रेस का नहीं है, आम आदमी पार्टी। तुम तो कंफ्यूज हो गए हो। इंडिया अलायंस का क्योंकि नंबर्स और फेवर में है बीजेपी के। एक वोट आज इनवैलिड हुई है, दैट मीन्स समबडी हैज वोटेड अगेंस्ट। मेयर बना रहेगा कि आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट लिव्ड इलेक्शन क्योंकि नंबर्स आर इन फेवर ऑफ बीजेपी नाउ? वेल, एवरीबडी इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ बीजेपी। व्हेन दे कांट गेट अ फुट इन, दे गो एल्सवेयर। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। इजंट इट ऑब्वियस? पूरे इंडिया में ऑल द पीपल हु आर चेंजिंग टू बीजेपी, सच बिग कांग्रेस लीडर्स हैव स्विच्ड टू बीजेपी। लुक व्हाट हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली। अभिषेक मनु सिंघवी जी लॉस्ट राज्यसभा सीट फ्रॉम देयर। सो एवरीबडी इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ बीजेपी। बीजेपी डज देयर वर्क ऑनेस्टली एंड डज द लॉट ऑफ वर्क। वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो दिन रात काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन सच अ पार्टी। री इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? एक्सक्यूज मी, आप ही होंगे मैम चेहरा लोकसभा चुनाव में? और एक आप हाजी है मैम चुनाव लड़ने में? दो बात है, कई साल मैम। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से अमित सेठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद अब आपको तो पहले जीत मिल चुकी थी, लेकिन अब भाजपा ने डिप्टी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पर कहीं ना कहीं अब जीत हासिल की है, तो ऐसे में आप या इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है? बिल्कुल सही, इसमें जो है साफ तौर पे कह सकते हैं कि बिल्कुल जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं जरूर झटका लगा है। वहीं अगर बात की जाए चंडीगढ़ से चुनाव को लेके, जैसे पूरा मामला जो है पहले हाई पंजाब एंड है ना हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद पूरा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जाता है, और उसके बाद वायलेट पेपर से जो वोटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि अब आम आदमी पार्टी का मेयर जो है चंडीगढ़ को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए आज जो थे वो पूरे चुनाव होने थे, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो पद था उसको लेके का जो मेयर थे उन्होंने चुनाव कराने थे, उसमें जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है बड़ी कामयाबी मिली। कह सकते हैं साफ तौर पे कि चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जो है काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही धज्जियां लगाई जा रही थी कि चंडीगढ़ का ही डिप्टी मेयर जो है वो भी आम आदमी पार्टी से होगा और कांग्रेस से ही जो है सीनियर डिप्टी मेयर होंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जैसे इंडिया अलायंस की बात की देश भर में जरा आने वाले 2024 में जो है चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी जो है पार्टी से लड़ना है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि झटका जो है बिल्कुल जरूर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जो है लगा है चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर। जी अमित, कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आपका 1 वोट कैंसिल किया गया है। तो इससे पहले के जो चुनाव थे जो मेयर चुनाव थे उसमें भी देखा गया था कि कई अपने जो वोट थे वो इनवैलिड बता दिया गया था। वही अगर इस बार की बात भी की जाए तो इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं, जो
वोटिंग डाली गई थी उनको कई वोटों को जो है कैंसिल कर दिया गया। और बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं क्योंकि वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो वो भी बार बार आरोप अभी यही लगा रहे हैं कि बीजेपी की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से तेज पद की अगर बात की जाए, तेज पद जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो पद है वो बीजेपी के पास है। देखना होगा कि आने वाले सदन की जो कार्रवाई है उनमें कहीं ना कहीं परेशानियां तो नहीं होती है, जो चंडीगढ़ के विकास कार्य हैं उनको लेके तो नहीं लोगों पर फंसे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।